जिले के अंतिम छोर पर स्थित बंगाल सीमा से सटे बेस्टम डांगा गांव के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय से जोड़ने और दर्जन भर गांव के तकरीबन 1 लाख की आबादी को यातायात सुविधा मुहैया कराने का प्रयास शुरू हो गया है। पाकुड़ प्रखंड के देवतला से बेस्टम डांगा गांव तक सड़क से होकर आवागमन में हो रही परेशानी से ग्रामीणों को जल्द छुटकारा मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस सचिव तनवीर आलम ने इस सड़क के निर्माण का बीड़ा उठाया है। प्रदेश सचिव ने मंगलवार को खुद 2 किलोमीटर पैदल चलकर बदहाल सड़क का जायजा लिया। उनके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी शफीक आलम भी थे। प्रदेश सचिव श्री आलम ने खेतों के बीच से होकर गुजरी पूरे सड़क का मुआयना किया। इस दौरान नक्शे को भी देखा ताकि सड़क बनाने में किसी तरह की अड़चने आने पर उसे सुलझाया जा सके। श्री आलम ने कहा कि बेस्टम डांगा के ग्रामीणों को मुख्यालय से जोड़ने का दो ही रास्ता है, एक बेस्टम डांगा से सीता पहाड़ी वाली और दूसरा बेस्टम डांगा से देवतल्ला का रास्ता है। इस सड़क का निर्माण होना बेहद जरूरी है। पहले इसे पूर्ण सड़क का रूप देंगे, फिर ग्रामीण विकास विभाग से इसका पक्का निर्माण कराएंगे। निर्माण के लिए जमीन को लेकर कुछ अड़चनें थी, जिसे जमीन मालिकों के साथ बैठकर सुलझा लिया गया। इसके लिए मैं जमीन मालिकों का आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश सचिव श्री आलम ने कहा कि इस इलाके के लोगों ने जिस उम्मीद से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को जिताकर मंत्री बनाने का काम किया है और राज्य में गठबंधन की सरकार बनाने का अवसर दिया है, ग्रामीणों की वो उम्मीद जल्द पूरी होगी। देवतला से बेस्टम डांगा तक तकरीबन 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा। वहीं प्रदेश सचिव के इस पहल से ग्रामीणों में खुशी है। अगर ये सड़क बन जाती है तो ग्रामीण सीधे मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। इस सड़क से होकर बेस्टम डांगा, देवतला, जिकरहटी, काकड़पोना, कदमसार, लखनपुर, भवानीपुर, इस्लामपुर, सकरघाट, सीतारामपुर सहित अन्य गांव के लोग आवागमन करते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में कच्ची सड़क से आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। पाकुड़ से मकसूद आलम की रिपोर्ट। क्या कुछ कारण है सर आज इस सड़क का निरीक्षण किए सर? क्या देखिए, यहाँ बेस्टम डांगा से देवतला के बीच में जोड़ने के लिए सड़क है और यहाँ के लोगों का हमेशा से बहुत दिनों से एक डिमांड रहा है। ये लोगों को पाकुड़ जिला जाने के लिए काफ़ी कठिनाई होती है। हम बहुत दिन से इसमें प्रयास भी कर रहे थे। इस गांव से निकलने का 2 सड़क है, एक सीतापारियों को हम निकल सकते हैं और दूसरा ये सड़क जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। इस सड़क में कुछ ज़मीन लोगों का था और यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके इस ज़मीन मालिकों को। इन लोगों के बीच में हम लोग गए, बैठे हैं, एक बार नहीं 2-4 बार बैठे हैं। बैठने के बाद गांव वाले और ज़मीन को जो मालिक है सबके साथ बैठने के बाद, इन लोगों को रिक्वेस्ट करने के बाद, इन लोगों ने राज़ी हुआ और इन्होंने सड़क जो है बनाने हेतु अपना ज़मीन इन लोगों ने देने का काम किया। निश्चित तौर पर पहले तो सबसे बड़ा शुक्रिया मैं उनको देना चाहूँगा, क्योंकि आज उनका साथ नहीं रहता शायद ये सड़क का आकार ही नहीं बनता। और साथ ही साथ जैसे उन लोगों ने लिख के दिया, आज हम लोग यहाँ पर देवतला आए हुए थे प्रोग्राम में, तो BDO साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे मुखिया जी भी हैं साथ में, प्रखंड अध्यक्ष जी, और हम लोग सोचे कि एक बार जाके इसका हम लोग खुद जाके चल के इसका निरीक्षण करते हैं कि क्या इस सड़क का आकार कैसे बन सकती है। तो जो हम लोग आके यहाँ पर देखें कि ये सड़क जो है हम लोग बना सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने BDO साहब से यहाँ पर है, SDO साहब है, सबको हम लोग बैठ के यही निर्णय लिए हैं कि हम लोग इस सड़क को किसे हम लोग रूपरेखा हम लोग इसका देंगे, उसके दिशा पर हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रही है और बहुत जल्द हमको लगता है कि इस सड़क का एक आकार भी बन जाएगी। और जैसे सड़क का एक आकार हो जाएगा उसके बाद हम लोग मंत्री जी से बात करके ये सड़क को जो है कोई भी ग्रामीण विकास विभाग से जो है REO हो चाहे PMGSY से हो, इसको हम लोग पक्की सड़क बनाने का हम लोग बहुत जल्द काम करने वाले हैं। एक सड़क जो आपने सज्जीकृत किया सर बेस्टम डांगा से सीतापहाड़ी वाली सड़क, सर पहले भी टेंडर हुआ था सर, फिर बाद में रिटेंडर के लिए भेजा गया, उसका सर क्या स्थिति है? पिछले बार हुआ क्या था कि वो सड़क जो है वो सड़क और उसमें जो पुल बनी हुई है उसमें काफ़ी ऊंचा आपका सड़क बहुत काफ़ी नीचे है और पुल बहुत ऊपर बनी हुई है। तो पिछले बार जब ये हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें जब तक हम लोग मिट्टी फिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मिट्टी का काम ज़्यादा है, और सड़क को जब तक हम लोग ऊँचा नहीं करेंगे तो उसमें हल्का सा बारिश में भी जो होता है वो सड़क डूब जाती है। तो पिछले बार पास हुई थी लेकिन उसका एस्टीमेट कम होने के कारण से जो है उसको हम लोग जो है उसको कैंसिल करना पड़ा। इस बार रिवाइज एस्टीमेट्स उसमें करके कि उसको कंक्रीट वे में कैसे हम लोग सड़क 12 महीना लोग उसमें चल सके, उस दिशा पे एक रिवाइज एस्टीमेट बनी है और उसमें मिट्टी पहले फिलिंग किया जाएगा, जो सड़क का हाइट है
वो हाइट को पहले बढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर उसमें जहाँ पर ढलाई होगी पीसीसी होगी वहाँ होगी, जहाँ पिच होगा वहाँ पर पिच होगा। और हमको लगता है वो टेंडर हो भी गया है और बहुत जल्द हमको लगता है कि वो दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।